राजेंद्र डेंटल क्लिनिक की ओर से निशुल्क दांत और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रखंड उपप्रमुख आशा देवी ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर उपप्रमुख आशा देवी ने कहा कि संस्था द्वारा इस तरह का जो निशुल्क कार्यक्रम आयोजन किया गया वो संस्था का सेवा भाव दर्शाती है। बलियापुर जैसे सुदूर क्षेत्र में इस तरह की जांच शिविर में विशेषकर गरीबों को लाभ मिलेगा, साथ ही दांत और आंख के सही देखभाल के लिए भी लोग जागरूक होंगे। संस्थाओं को और सभी डॉक्टरों को उनकी पूरी टीम को प्रमुख ने बधाई दी। शिविर में दांत और आंख के सैकड़ों लोगों का जांच किया गया। दांत के लिए दांत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम गोपाल सिंह और डॉक्टर प्रीति महतो तथा आंख के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीटी महतो और डॉक्टर सीबी कुमार ने जांच की एवं तकनीकी सहायक के रूप में सोनू कुमार उपस्थित थे। मौके पर रेणुका महतो, स्वीटी महतो, स्वप्न कुमार महतो, ज्योतिर्मय महतो, उमा महतो, प्रदीप महतो, संजीत महतो, वासुदेव महतो, शंकर महतो, चौधरी चरण महतो, धनंजय महतो, जयदेव महतो आदि उपस्थित थे। जरिया से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले आपको जोहार और जितने भी लोग आए सबको मेरा जोहार है। आज डेंटल राजेंद्र क्लिनिक में मतलब निःशुल्क दांत और आंख का शिविर लगाया गया है। ये बहुत ही बलियापुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि एक साथ आज दांत और मतलब आंख का निःशुल्क जांच हो रहा है। इसमें डॉक्टर प्रीति महतो, डॉक्टर बी डी महतो, डॉक्टर सी वी कुमार और डॉक्टर राम गोपाल सिंह का इन्हें चारों डॉक्टर बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं निःशुल्क जांच और निःशुल्क जांच दांत और आंख का करके। सबसे बड़ी बात है कि बलियापुर प्रखंड 2 लाख की आबादी पर है, एकमात्र अस्पताल यहाँ पर है और इस तरह का जो बेहतरीन निःशुल्क दांत और आंख जांच शिविर लगाया गया और राजेंद्र डेंटल क्लिनिक यहाँ खोल रही, क्या कुछ फायदा मिलने जाएगा आने वाले समय में? देखिए जो मतलब स्वास्थ्य केंद्र है उसमें तो जो आबादी है उसके लिए हम लोगों ने जो मांग रखा था वो मांग की पूर्ति हो रही है और इस तरह जो मतलब एक्स्ट्रा जो निःशुल्क जांच और दांत की जांच हो रही है ये बहुत अच्छी बात है। जैसे जो मरीज को वहाँ लाभ नहीं मिल रहा है ये स्पेशलिस्ट है दांत और आँख के लिए, इससे ज़्यादा मतलब होता है। स्पेशलिस्ट होने का मतलब है कि अच्छी तरह से यहाँ जाँच होगा और जो भी मतलब असुविधा है वो बताई जाएगी और जो दवा की सुविधा है वो भी दी जाएगी। कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि जितना ज़्यादा हम लोग इस चीज़ को योगदान को आगे बढ़ाए, यहाँ के लोगों को जागरूकता बढ़ाए दांत और आंख के लिए, क्योंकि हालांकि यहाँ पे दांतों के लिए ज़्यादातर लोगों के अंदर जागरूकता बहुत कम है। बहुत सीवियर होने के बाद ही वो लोग डॉक्टर के पास ये टेस्ट करते हैं। तो हम बस यही आग्रह करेंगे कि सबको आए, जब स्टार्टिंग रहे, इनिशियल स्टेज रहे, तब हमें मौका दे काम करने का। ये नहीं कि जब लास्ट कंडीशन आ जाए और उस टाइम आप आके हमसे ये करें हेल्प मांगे तो उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है दांत निकालने के अलावा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग पहले आइए कि हम लोग को भी ट्रीटमेंट करने का चांस मिले और जितने लोग हैं दांत बजाय दांत निकालें उनके दांत बचाने की हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। किन किन डॉक्टर्स की भूमिका रहेगी यहाँ पे? डॉक्टर प्रीति महतो और डॉक्टर राम गोपाल सिंह की भूमिका यहाँ पे है, जो कि हम लोग 24/7 यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। आप किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों को, इमरजेंसी केस रहेगा तो भी हम लोग यहाँ पे देखने के लिए सेवा करने के लिए आए। चूँकि ग्रामीण बहुल क्षेत्र हो रहा है, कृषि बहुल क्षेत्र हो रहा है, आयुष्मान भारत योजना का क्या कुछ लाभ मिलने जाएगा? फिलहाल अभी हम लोग के डेंटिस्ट्री में तो आयुष्मान भारत का हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन अगर मेरे को यहाँ के लोगों का मदद मिलेगा तो ज़रूर हम लोग इस चीज़ के लिए कोशिश करेंगे कि आयुष्मान भारत जल्द से जल्द हम लोग डेंटल में भी ला सकें। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति महतो है, मैं आरबीडी प्रिंटिंग कॉलेज भोपाल से पास आई हूँ और अभी मेरा यहाँ बलियापुर में आए हुए 2 साल हो गए हैं। कोशिश करती हूँ कि आगे हम आप सबको सुविधा प्राप्त करें। कुछ कहना चाहेंगे सर? ग्रामीण बहुल क्षेत्र में पहली बार इस तरह देखने मिल रहा है। अभी तो थोड़ा सा ये एरिया रूरल में आता है, अभी अवेयरनेस नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। यहाँ से तो आदमी सब या तो धनबाद जाते हैं दांत का ट्रीटमेंट कराने के लिए या झरिया जाते हैं, लेकिन जो भी जहाँ का ट्रीटमेंट जैसा भी है, लेकिन वहीं हम लोग मकसद से यहाँ पे खोले हैं कि जितना अच्छा से अच्छा हो, जो बलिया जो झरिया धनबाद या अदर स्टेट में या अदर सिटी में मिलता है वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करें। क्या आने वाले समय में ग्रामीण स्तर पर भी ये कैंप लगेगी? जी एकदम लगेगी।
नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर राम गोपाल सिंह, हजारीबाग डेंटल कॉलेज। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।